ये देखो पूरे तोड़ रखे, तोड़ दिया तो ये बन रहा है। यहाँ पे देखो एक कट्टा, इसके ऊपर लगेगा ना जो कट्टा, उसके लिए बना रहे हैं हमारे नेपाली भाई लोग। तो ये दीवार भी हमने यहाँ से लगा दिया, मतलब जिससे जो हमारी गाय गोई होती है ना, तो यहाँ आके वो तोड़ फोड़ कर देती है पूरी दीवार। ये रहा डिंडी, देखो डिंडी देखो कैसे भाग रहा है मेरे देख के। और ये रहा काना, काना भाई क्या हो गया? वो देख गोलू भाई पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कहाँ ना गोलू भाई है भाई, बाघ हो गया यार। चीड़ का होता है ना, चीड़ का पेड़ तो उसके ये फल है, हम बोल सकते फल इसके अंदर होते हैं जो छुतमेला, छुतमेला खांची होती, ये ऐसे हाथ में रखते थे ठीक है, ये और ये ठीक है, ये छपते थे। देखो ये कैसे छप रहे हैं, तो ये पूरा हाथ में छपता था जब ये बड़ा होता था ना। और यहाँ पे देख सकते हमारे ठग्गू भाई सूरज भंडारी जी के क्या बुरे हाल हो रखे हैं, पानी नहीं आ रहा भले यहाँ पे। अरे पानी कहाँ गया भाई? तो हेलो गाइस, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग पता है आजकल हमारी मंदिर बन रही है, तो आज भी हम वहीं जा रखे हैं क्योंकि वहाँ का काम भी देखना ही है, जब तक घर में हैं तब तक देखना ही है। बाकी अपनी आस्था है, ऐसा नहीं है कि मतलब पैसों के लिए, हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती, तो आस्था अपनी इसलिए जा रहे हैं। तो हम जा रखे हैं मंदिर में, तो मंदिर का काम देख रहे हैं, चल रहा है अभी तो आधा काम तो चल गया, अभी तो बहुत सारा काम है तो अभी बताएंगे आपको। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ आज, जो जो लोग मदद करना चाहते हैं, जो हमारे ख्वाल्स हैं जिनके मंदिर है, अगर वो लोग देख रहे हैं तो मदद करें, और जो हमारे YouTube फैमिली वाले भी करना चाहते हैं तो अलग बात है वो भी करें। क्यों बोलो, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं भाई। और खाना खा लिया भाई? और पार्टी नहीं दी तो रे भाई, शादी होने वाली है तो कब है? शादी तो नहीं हो रही तेरी? जोगी रे जोगी जोगी। तो अब दिखाते हैं आपको क्या काम चल रहा है आज, पूरा बता रहे हैं आप ठीक है, कहाँ से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हम और ये हमारी 2008 में बनी थी मंदिर, तो लगभग कितने साल हो, 15 साल ठीक है, 15 साल से मंदिर नहीं बनी, वो पूरा जड़ गई है, मतलब बुरे हाल हो गए मंदिर के। लेकिन अगर आस्था रखनी है तो मंदिर को भी काम कराना है, अगर मंदिरों में आना है ना, अगर गिर गए तो अब क्या करना लोगों ने आके, और अगर एक बार गिर गई तो फिर काम करना, मतलब फिर काम कराना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आज काम करा रहे हैं हम सब। तो दिखाते हैं आपको क्या काम चल रहा है। तो ये रही दीवार, तो ये दीवार भी हमने यहाँ से लगा दिया, मतलब जिससे जो हमारी गाय गोई होती है ना, तो यहाँ आके वो तोड़ फोड़ कर देती है पूरी दीवार। ये देखो दीवार, और हमारी जो मंदिर है वो ठीक जंगलों के बीच में, देखो ये रही मंदिर, तो इसमें पूरी दीवार लगा दी है ये वाली, ये देखो इतनी ऊंची, जिससे इधर साइड से गाय गोई ना आए और तोड़ फोड़ ना करे, जिससे देखो ये रही मंदिर, इधर पूरा 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 मंदिर का 2008 में मंदिर बनी थी। और यहाँ पे लगेंगे गेट, जो गेट है वो पूरा इसके ऊपर गट्टा पड़ेगा, पूरा गट्टा यहाँ से वहाँ तक पूरी दीवार लगा दी ठीक है। ये रही मंदिर, तो ये बन रहा है यहाँ पे देखो, एक गट्टा इसके ऊपर लगेगा ना जो गट्टा, उसके लिए बना रहे हैं हमारे नेपाली भाई लोग। और ये रही मंदिर, तो अंदर से दिखाते हैं कैसे हालत हो रही है इसकी। ये देखो पूरे तोड़ रखे, तोड़ दिया, ये देखो सरिया भी कितना जंग पकड़ लिया, देखो कितनी पुरानी हो गई, देखो सरिया भी टूट रहा है इधर, ये देखो पीरा पूरा टूटेगा, इसके ऊपर लगेगा प्लस्तर ठीक है, और इसके जो ऊपर है यहाँ पे उल्टा प्लस्तर, इसके ऊपर प्लस्तर, यहाँ पूरा रेलिंग लगाएंगे, यहाँ पे गेट बनेगा ठीक है, और यहाँ अंदर टाइल्स, ये देखो ये रहा मंदिर, ये रही मंदिर, और ये रहा हमारा लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण भाई थोड़ा इधर दिखाना, ये देखो हमारा लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण भाई मांस निकालो थोड़ा, शिकाल शिकाल दिखाना लक्ष्मण भाई की, ये रहा हमारा लक्ष्मण भाई, बहुत मेहनती है भाई ये। ओ भाई हमारा अनिल भाई, अनिल भाई नाम है ना, अनिल भाई, अरे भाई का नाम क्या है? बहादुर। तो नेपाल में कहाँ से हो भाई? रुल्पा जिला। ओ भाई कहाँ से? ये भाई भी वहीं से? ओ सब एक ही गांव से भाई। ये देखो तो दोस्तों ये कि अपनी आस्था होनी चाहिए मंदिरों में भी, और हम लोग कराए रहे हैं, बाकी जो लोग हमारे बाहर से देख रहे हैं जिनका ये मंदिर है
वो लोग तो कोई आ नहीं रहे हैं, मैं साफ बोलूं। गांव में हमारे बहुत सारे हैं, हमारा खोल तो अलग है लेकिन और खोल वाले भी हैं, लेकिन उन्हें इन मंदिर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात मैं बोलूँगा, देखो हम लोग किसी के लिए बोलेंगे, हम लोग किसी के लिए बोलेंगे नहीं कि ये करो वो दो वो करो, वो अपनी आस्था है ठीक है, बाकी ऊपर वाला सब देखता है ठीक है। अरे ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं हम ठीक है, और जो लोग नहीं मानते भगवान को अलग बात है, लेकिन हम लोग मानते हैं कट्टर हिंदू। और मतलब ये मंदिर हमारे ऐसी मस्त जगह है, मैंने दिखाता हूँ आपको लोकेशन, यहाँ की इतनी मस्त लोकेशन है। और जो गांव में भगवान का मतलब जो पहाड़ों में होता है मंदिरों का, जो मंदिरों का व्यू होता है और मंदिर जहाँ विराजमान होते हैं मेरे इष्ट देव, वो ऐसी जगह में होते हैं कि पहाड़ों के ठीक बीच में, जहाँ से कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है लेकिन भगवान चप्पल फाड़ के देता है अगर देता है जिसको ठीक है। बाकी तो अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में, अगर ऊपर जाएगा कोई आदमी वो नीचे भी गिरेगा ठीक है। जब अडानी जैसे लोग ऊपर जाके टॉप टू में जाके नीचे गिर गया, तो हम जैसे क्या है यार। ये देखो यहाँ से व्यू देखो, ये मथिगांव, ये है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं चोपड़ा पाक, सारी हमारी ग्राम सभा देखो कहाँ से हमारे ग्राम सभा कहाँ। आपने हमारा गांव देखा ये पुराने ब्लॉगों में, लेकिन यहाँ भी देखो ये पूरा ताल है, ये पूरा ताल, ये पूरा देखो नीचे से पूरा ताल है यहाँ यहाँ। मतलब मैं जब बोलता हूँ ना, जितना हमारा एरिया है ताल ग्राम सभा का, उतने एरिया में तो लोगों के कम से कम 50 गाँव होंगे, इतना एरिया देखो। यहाँ से पूरा घूम के, यहाँ से पूरा 4-5 किलोमीटर घूम के पूरा यहाँ तक, ये पूरा ताल है ठीक है। तो इतना सुकून है। अरे ये मंदिर देखो कहाँ है, पूरा जंगल में। और ये देखो बांज के पेड़, तो ये जो बांज के पेड़ होते हैं ना, इनसे हम देखते हैं ना कि गांव में छोया का पानी बोलते हैं या मंगरा धारा, ये सब इन्हीं की वजह से आता है, जो इनका इनसे ही वो पानी बनता है आता है, मतलब ये बोल सकते हो एक हिसाब से। और ये देखो जो ये चीड़ के पेड़ हैं, ये भी हैं, काफ़ी अच्छा लोकेशन है यहाँ का और काफ़ी बढ़िया व्यू भी हो रखा, मतलब मौसम भी बढ़िया हो रखा, देखो धूप लगी हुई है ठीक है। तो चलते हैं ठीक है, थोड़ा ऊपर। और यहाँ पे गोलू भाई किससे लड़ाई कर रहा था, फोन जेब में रख दिया, क्या हुआ भाई लड़ाई क्यों कर रहा है, क्या हो गया लड़ाई किस बात की, आई लव यू नहीं बोला आई लग गई पैर में। अब यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, देखते हैं यहाँ क्या है ठीक है, यहाँ से आगे जाते हैं। इधर साइड का देखो, अगर कैंपिंग के लिए ना हम लोग कितने दूर दूर जाते हैं, लेकिन अपने गांव में भी हमारे इतनी सारी कैंपिंग की जगह है। देखो इधर मतलब बांज के पेड़ के नीचे, यहाँ पे तो जगह नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर कैंपिंग के लिए बहुत बढ़िया है ठीक है। व्यू भी है सामने, बहुत बड़ी लोकेशन भी है। वो देखो क्या ठंडी हवा चल रही, देखो यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे देखो ये, इधर साइड भी लग सकता है कैंपिंग के लिए, ये बढ़िया है ठीक है, यहाँ भी बढ़िया है। ये देखो बांस के पेड़ के ऊपर, यहाँ पे ऊपर मंदिर है झाली माली देवी। तो यहाँ पे से लोकेशन देखो, बांझ ही बांझ के पेड़ है, तो इन्हीं बांझ के पेड़ों की वजह से जो होता है ना पानी, और हमारे लिए ऑक्सीजन पहाड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन तो यही है। और यहाँ पे देखो बैल, देखो बैल ले, हेलो हेलो हाय, कैसे देख रहा है, क्या हो गया हैं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या हो गया, आ जा ले, क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया, आ इधर 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 मार मत देना भाई तू तो इधर चल रहे हैं, देखो इधर इधर पूरे चल रहे हैं, इधर से नीचे देखो, यहाँ देखो ये है कैंपिंग की जगह, देखो क्या बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं, वाह मजा आ गया। यहाँ पे ठीक जाली माली देवी भी है। तो ये देखो हमारे सामने दोनों आ चुके हैं, इसका नाम है गोली भाई और इसका नाम है पर्रो भाई। तो ये दोनों देखो, गोली भाई पर्रो भाई दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों भाई की जोड़ी देखो, ये है गोली भाई ठीक है, और पर्रू भाई देखो देखने में क्या मस्त लगता है, देखो पर्रू भाई, पर्रू भाई देख, अरे पर्रू भाई मार मत देना मेरे को तो, अच्छा साले देखो पर्रू भाई मानने आ रहा, बहुत बदतमीज है, और गोली भाई बहुत बड़े आदमी है, देखो मानने नहीं आ रहा है, पर मार मत देना तो सच में डर भी लग रहा तुमको देख के, चल दूर रह मेरे से। और ये देखो डिंडी, ये रहा डिंडी, देखो डिंडी देखो कैसे भाग रहा है मेरे को देख के, और ये रहा काना, काना भाई क्या हो गया,
और ये रहा हिमांशु। हिमांशु हिमांशु भाई, हिमांशु भाई डर, हिमांशु भाई डरने का नहीं, हिमांशु भाई, हिमांशु भाई, हिमांशु भाई डर मत, हिमांशु भाई यार क्या हो गया, देखो कैसे दिख रहा फिर यार ये व्यू देखने के लिए यार लोग तरस जाते हैं, देखो क्या व्यू है। वो देख गोलू भाई पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कहाँ है गोलू भाई हैं भाई, बाग उधर यार। तो ये देख सकते हो चीड़ का और बांज का पेड़ एक साथ है, ये देखो, ये देखो जब खोपड़ी खराब होती है ना किसी की तो ऐसे काम करता है, देखो ये कहाँ चढ़ रहा है, क्या हो गया भाई पागल हो गया, देखो देखो कैसे मुझे बुला रहा पेड़ में। तो भाई जो यहाँ कैंप लगाना चाहते होंगे उनके लिए क्या बोलोगे हैं, बोले अब क्यों आई तो कुछ बोलिए कैंप कुछ बोलिए बोले बोले। तो दोस्तों हम लोग आओ पता है जंगल में आए थे मंदिर के दर्शन करने, तो हमें यहाँ एक बढ़िया चीज दिखी है, देखो ये, देखो ये है चीड़ का होता है ना चीड़ का पेड़, तो उसके ये फल है, हम बोल सकते फल इसके अंदर होते हैं जो छुतमिला, छुतमिला खान चीनी थी बहुत मस्त होती ना, बहुत खेल मरा यार डालू मैं आजकल लगे आनी चीनी अभी तो सूख गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे दिखाने का मतलब ये है कि हम लोग देखो वैसे पेंटिंग में बहुत खर्च करते हैं, देखो जो बाहर से जो बन के आती है ना जो वैसी, तो उन पर हम बहुत खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप लोग कभी ध्यान देना अगर ये बढ़िया वाले जैसे ऐसे, अभी ये तो सड़ गया इसकी बात नहीं कर रहा, जैसे अगर ये ताज़ा नया रहता तो जैसे ये देखो इस पे पेंट करने पे अलग अलग रंग के, देखो जैसे ऊपर साइड अलग रंग कर दिया नीचे साइड अलग रंग कर दिया ऐसे में, तो ये इतना गजब लगता है ना, घर में आप इसे सजावट के लिए भी लगा सकते हो, इतना प्यारा लगता है ये, मैं किसी के ब्लॉग में देख रहा था इतना मस्त लग रहा था, पीछे से बैकग्राउंड इतना तगड़ा दे रहा था, तो ये प्राकृतिक हमारा स्रोत है जिससे आप अपना घर चमका सकते हैं, मतलब एक बार आप जरूर देख के ट्राई करके देखें और फिर बताना कैसा लगा, ठीक है बहुत प्यारा लगता है। तो दोस्तों मैंने जंगल में एक और बढ़िया चीज दिख गई और ये देख के हमें बचपन के दिनों की याद आ गई, जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे फोन नहीं थे तो खेलने के उपाय हमारे पास नहीं थे, लेकिन हम जो प्राकृतिक जो हमारा खेलने के तरीके थे वो अलग अलग थे, ठीक है उनमें से एक ये भी था, ये हो गया ना, ये तो अभी बड़ा हो गया ठीक है, बहुत बड़े हो गए ये, बहुत बड़े हो गए ठीक है, लेकिन जब ये छोटे छोटे जिस समय होते हैं अगर होंगे तो देखता हूँ, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, हाँ ये है छोटा है, ये तो बहुत छोटा है ठीक है, लेकिन इस साइज के अगर इस साइज के थे नहीं है, ये तो बहुत छोटा है ठीक है, लगभग मैं तोड़ के बताता हूँ इतने साइज के, ठीक इतने साइज के जब ये होते हैं ये तो बड़े हो गए, तो हम इनसे क्या करते थे ये ऐसे हाथ में रखते थे ठीक है, ये और ये ठीक है, ये छपते थे देखो ये कैसे छप रहे हैं, तो ये पूरा हाथ में छपता था जब ये बड़ा होता था ना, तो ये मतलब एक प्राकृतिक हमारा खेल था और बहुत मजा आती थी छोटे में कैसे करने में, ये देखो अब आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होगा क्या चीज़ है, इसका नाम तो वैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी है अच्छी चीज़ थी, और अगर आप लोगों को पता है क्या नाम है इसको बताना ठीक है। दोस्तों यही है कि अब सब चीज़ ऐसी मतलब हो गया कि अब नहीं हो गया, फोन ने मतलब सब चीज़ बिगाड़ दिया है, और जब हम छोटे थे हम बहुत चीज़ खेलते थे, उस टाइम फ़ोन भी नहीं थे और इतना फ़ोन भी वहाँ चलते रहते उस टाइम, मतलब फ़ोन बन रहे थे उस टाइम, नोकिया चलता था नोकिया, और अब तो 36 प्रकार की कंपनी आ गई है, और नोकिया में भी हमने बहुत सांप सीढ़ी वाला गेम खेला, कौन सा वो जिसमें सांप खा देता है ठीक है वो वाला, उसमें भी बहुत सारे गेम खेल रखे हैं, लेकिन जो जंगल थे वो हमारा घर था खेलने का, बोले सकते हैं बहुत मजा आती थी उस टाइम खेलने में यार, उस टाइम में तो बहुत सारे लोग भी थे और अब लोग भी नहीं रह गए, हम जो दोस्त थे वो भी नहीं है, सब चले गए अपनी ड्यूटी व्यूटी सब ठीक है, तो बताएंगे भी आगे कुछ दिखेगा तो ठीक है, लेकिन बहुत मजा आती है, देखो इतना ठंडा लग रहा है ना, लेकिन अभी पहाड़ी है ना तो इसलिए हाफ में भी, और घर में भाई साहब इतना ठंडा लगता है ना, लेकिन यही होता है कि जंगलों में आके कुछ अलग ही सुकून, और हवा देखो क्या मजा आ रही है, तो यही है कि घूमो यार, जो पहाड़ों में रहते हैं ना वो घूमो, क्योंकि आपको कल क्या पता ऐसा मौसम ना दिखे, ऐसा मतलब नज़ारा ना दिखे, तब आप मिस करोगे कि हम घूमे क्यों नहीं होंगे, इतनी मैं बोलता हूँ कि जब तक गर्मी हो इतनी मेमोरीज अपनी कैप्चर कर दो कि जिंदगी भर लोगों को दिखा सको ठीक है, जिंदगी भर लोग बोले हाँ यार मुझे तो किए थे इसने ठीक है घूमा था ये, अब ऐसा नहीं कि गौरम बैठा जाता हूँ दिन भर सिया छा और गोल जन तुम फोरम बाग ना चाह लुको बेटू दगड़ी अच्छी बात नहीं, तो वो अलग चीज़ें बात भी करो लेकिन एक आध घंटा का, लेकिन फुल मजे लोग गाँव के ठीक है, बाहर के लोगों को तो ट्रैफिक और गाड़ियाँ ही दिखती हैं, लेकिन हम लोगों को पहाड़ों में इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं जिनका कुछ मोल ही नहीं है ठीक है, चलो फिर चलते हैं
आगे दिखाते हैं मंदिर का भी कितना काम हुआ, उधर दिखाते हैं। तो अब चलते हैं सीधा घर की तरफ। लक्ष्मण भाई बहुत काम करते हैं यार, हैं? लक्ष्मण भाई आपकी एज मतलब उम्र क्या है? उम्र है मेरा 19 साल। और शादी हो गई? शादी तो हो गई। और बच्चे भी हैं? हाँ। एक बच्चा भी हो गया? हाँ। तो कितने साल की उम्र में शादी? शादी हो गया 18 साल में। और ये कितने साल का है? ये 22 साल का है। 22 नहीं 23 साल का वो। 22-23 साल का। और देखो अभी तक नहीं हुई शादी। हाँ यार। लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है पार्टी खिलाएंगे तुम्हें? हाँ ठीक है, पार्टी खिलाएंगे भाई की तरफ से। तैयार रहना बस तुम, बहुत जल्दी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग बताइए, हमारी कांगड़ी देवी माता का मंदिर है, और ये मंदिर मतलब हमारी आस्था इससे, ठीक है, हम लोगों का जो विश्वास है भगवान के पास, जो हम पहाड़ियों का विश्वास है ये अटूट रहता है, ठीक है। तो हमारे मंदिर पे इतना विश्वास है, हम लोग खुद आ रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दिखावे के लिए कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे, ये मेरा घर बन रहा है, ये कुछ नहीं है, बस ऊपर वाला देख रहा है, ये मुझे मतलब दिखाव करने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूँ जो लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये मंदिर बहुतों की है यार, ये मंदिर पूरा लगा लो आधा तालगांव वालों की मंदिर है, कोई नहीं आ रहा यार। कब आओगे तुम भाई? और वहाँ तुम छोल पोछ लाना गाड़ों की भगवान है। अब जब अपनी मंदिर बन रही है भाई, तुम मंदिर का तो देखो, जब ऊपर वाला देख रहे हैं ना, छोल पूजी कुछ नहीं हो, वो गाड़ो छोलो वो वखो छोल कुछ नहीं हो, बस भगवान पे विश्वास रखो, वही सब चीज़ करता है। अगर आप लोग पैसे से मदद नहीं कर सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ऐसा है कोई नहीं, ठीक है। श्याम भगत यहाँ उधर पैसा खूब होना चाहिए बोतल को, लेकिन चलो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो आप लोग यहाँ अपना श्रमदान तो कर सकते हो, थोड़ा मदद तो कर सकते हो मंदिर में, कुछ आप लोग अपना वो दो सुझाव दो, कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, बढ़िया बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो लोग इस कांगड़ी देवी माता के वो हैं मंदिर, जिनका ये मंदिर है, जिनके इष्ट देव हैं, वो लोग जरूर आए, ठीक है। बाकी ऊपर वाला देखता है, देखो आप लोग छुपोगे कि हाँ वो कुएं कंधा छोड़ वो कर लेगा, ठीक है। तो इससे ऊपर वाला देखता है, ठीक है, बाकी कोई नहीं देखता। जो हमारा जो काल चक्र घूमता है इसी में घूमता है, कि हम लोगों का जो विश्वास है, ठीक है, बाकी दिखाओ करके कोई फायदा नहीं है कि तो आज वक्त गाड़ के नरा छोल लग गया, ये लग गया, ये कुछ नहीं होता है। मैं, मेरी तो साफ बात है कि भगवान पर विश्वास रखो, ये छोल भी उन लोगों में लगो कभी भी याद रखे, छोल उन लोगों में ज़्यादा लगो तो जो कभी मंदिर दर्शन नहीं करना, ठीक है। भैर बैठे पर राय देना, दूसरों बारम गलत बुना और दूसरों को प्रति अपर दिलम्बू रखना। अब देखो मैं एक बात बताऊंगा कि हम लोग जैसे दूसरों के प्रति गलत चीज़ सोचते हैं, जैसे हम कि मैं जैसे वीडियो कैमरा में गोलू है, मैं इसके प्रति बहुत गलत सोच रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मेरे दिल में, अगर वो अच्छा करेगा ना, कभी कुछ अच्छी चीज़ करेगा, अगर अच्छा कुछ कर देगा, कुछ अच्छा बन जाएगा, तो दिल में ठेस पहुँचेगी, उससे उसका कुछ नुकसान नहीं है, मेरे दिल का वो है। और हम लोग ये होता है कि दूसरों पे कभी किसी के लिए वो मत रखो, चाहे तुम उसका नंबर ब्लॉक कर दो, उससे कोई मतलब मत रखो, पर उसके बारे में गलत मत सोचो, ये मेरे कहने का मतलब है। तो यही छोल होता है, ठीक है, छोल यो ही हूँ, कुछ नहीं हूँ। मंदिर में आओ, मंदिर के काम करो, मंदिर में आओ, मंदिर देखो कैसी हालत हो रही है, पढ़ने वाली हो यार, तो आओ। ये मैं केवल ताल वालों के लिए बना रहा हूँ ब्लॉग, ठीक है। तो देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो लोग इस मंदिर से रिलेटिव है ना, उन पर जरूर भेजना ये वीडियो, कि कोई नहीं आ रहा है भाई, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, केवल लब्बी गुसाई की मंदिर नहीं है, और लब्बी गुसाई अकेला भी कर लेगा, ये चिंता मत करो। आओ सब, आओ भाई, मजाक कर रहा हूँ, सब आओ यार मंदिर के। यार बाहर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो ताल गांव में उनका घर ही नहीं है, वो भी मंदिर के लिए पैसे दे रहे हैं, तुम लोग ताल के हो यार, मेरी तरफ बेटी जय हो, ऊपर वाला देखेगा सब, ठीक है। चलो भाई, दोस्तों यहाँ से गांव का व्यू, क्या मजेदार गांव है, ठीक टॉप में आ रखे हम गांव के मंदिर टॉप में। और एक और बात मैं बोलना भूल गया था यार मंदिर के बारे में, ठीक है। दूसरों के प्रति जो गाली देता ना, कोई कोई ऐसा जय ये चमदिन भर गाल राम, ठीक है, श्याम भगत, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, ये करके भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब बाकी मतलब तब प्रकोप छह ही जा, ठीक है, धन्यवाद। तो पिकनिक मनांदी मैं डांडो रोंदो बासा, तू डिस्को डांस कर दी मिलांदो गूंजा राता, तू देसवाली मैडम छे में छोरा छो पहाड़ी, मैं धर को पानी वालू तू बिस्लेरी वाली। और यहाँ पे देख सकते हमारे ठग्गू भाई सूरज भंडारी जी के क्या बुरे हाल हो रखे हैं, पानी नहीं आ रहा भाई यहाँ पे। अरे पानी कहाँ गया भाई, अरे बहुत गलत हो रहा है इनके साथ, पानी नहीं आ रहा यहाँ तो। वो क्या बड़े वो ब्लॉग बनाते हैं ब्लॉगर के, अगर पानी नहीं आ रहा तो किसके आएंगे। तो ये देखो यहाँ पर ठग्गू भाई और घर है यहाँ पे, और पानी नहीं आ रहा हमारा सूरज भंडारी जी का, तो कृपया इनके लिए पानी लाएं, व्यवस्था करें कहीं पानी की,
घर के बगल में नल है पर पानी नहीं आ रहा उसमें, तो अब तो हर घर जल वाला आ रहा है, तब तो उनके पानी पानी रहेगा। तो चलो फिर इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट भी जरूर करना। धन्यवाद, तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।